तो हम लोग बच्चों आज कुलाम स्लॉट के बारे में बात करेंगे। ये क्या है और इसकी खासियत क्या है, कुलाम स्लॉट? तो दो पॉइंट चार्ज हैं आपके पास, एक पॉइंट चार्ज आपने कहा ये क्यू वन है, दूसरा पॉइंट चार्ज क्यू टू है, और दोनों के बीच की दूरी आर है। तो कुलाम साहब ने इनके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया कि किस तरह से इनके बीच लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया जाता है, और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि क्यू वन और क्यू टू के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और जो बीच की डिस्टेंस है वो स्ट्रेस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आपके पास जो एफ आता है वो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर रहता है, और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को किसी कांस्टेंट से हटा दें आप, तो मान लीजिए के टाइम्स क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। आपने गौर किया होगा कि बिल्कुल ऐसा ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हुआ करता था, उसमें आप एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर करते हैं, वहां भी वो कांस्टेंट को हम माइनस सी ले लेते हैं। तो दोनों लॉ एक जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ अंतर है बच्चों दोनों में। जब आप यहाँ पर पॉइंट मास की बात करते हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पर एम वन होगा और यहाँ पर एम टू होगा और बीच की दूरी आर होगी, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉडी ऐसे एक्सटेंडेड हो, और इसका जो पूरा सेंटर ऑफ मास है वहां पर आप एम वन मान सकते हैं और यहाँ पर एम टू मान सकते हैं, क्योंकि आपने मास के साथ सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं इस एक्सटेंडेड को आप सेंटर ऑफ मास से दिखा दें, तो अब ये आपके पास पॉइंट मास की तरह बिहेव करें। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है बॉडी का जहां पर एज्यूम किया जाता है लॉजिकली कि पूरी बॉडी का मास यहाँ पर सेंटर्ड है। एक्चुअल में पूरी बॉडी का मास यहाँ पर होता नहीं है, लेकिन उस पॉइंट पर मास मान लेने से लॉजिकली कैलकुलेशन आपकी सारी सही है, क्योंकि अगर पूरी बॉडी का मास यहीं पर है तो बाकी हिस्सा मासलेस होना चाहिए फिर अब, लेकिन मासलेस तो कोई हो ही नहीं सकता अगर पार्टिकल नेचर है। तो मतलब सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं, तो आप एक्सटेंडेड बॉडी के बीच भी ये लगा सकते हैं अगर आपने एक्सटेंडेड वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा है और आप कैलकुलेट करना जानते हैं। अब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस आते हैं। यहां पर बच्चों दिक्कत है, मैंने आप लोगों को पहले भी कई लेक्चर्स में बताया होगा, अगर कुछ डेटा पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हो तो अरिथमेटिक मीन कभी भी नहीं लेना है गलती से, अगर आप लेंगे तो नॉनसेंस रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। चार्ज दो तरह का मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रॉब्लम यह है कि चार्ज प्लस माइनस दोनों हो सकता है, जबकि जब मास होता है तो वो एक ही टाइप का माना जाता है हमेशा पॉजिटिव, तो वो एक ही तरह का डेटा था तो वहां पर सेंटर ऑफ मास निकालना जस्टिफाइड है। लेकिन चूंकि चार्ज दो तरह का है प्लस और माइनस, तो इन जनरल सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो यहां पर पॉइंट चार्ज आइडियल कंसेप्ट हो जाता है। अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है और कंडक्टिंग बॉडी है तो उसकी पूरी सरफेस पे चार्ज फैला होगा, तो फिर हम आपको बाद में गॉस लॉ की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखेंगे, मतलब वो ज्यादा जनरलाइज्ड हो जाएगा।
लेकिन शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं है। कोलाम लॉ और क्रॉस लॉ पॉइंट चार्ज से शुरू करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल एक जैसे हैं और इन दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। पहला अंतर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट मास और पॉइंट चार्ज वाला। दूसरा अंतर बच्चों, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं दो पार्टिकल के बीच, तो बीच में क्या मीडियम है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो फॉर्मूला वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे भी कि यहां पर दो चार्जेस के बीच अगर मीडियम कुछ और है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर फोर्स जो होगा कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग जो निकलेगा फोर्स, वो वेरी करता है, मतलब वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अंतर दोनों में क्या क्या है, क्योंकि वाइवा आप देंगे कल को, कहीं इंटरव्यू देंगे तो मालूम होना चाहिए। दोनों में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो दूसरी बात यह है, एक चीज कि बच्चों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम कूलाम लॉ की मदद से निकाल रहे हैं, आखिर ये किस दूरी तक लगता है? लोग ये सवाल पूछते हैं। मतलब अगर दो चार्जे दूर दूर हैं जो नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं तो ठीक, फिर बच्चों दिक्कत आती है जब एटॉमिक लेवल पे डिस्टेंसेज हो। एटॉमिक लेवल पे भी ठीक है, क्योंकि यहाँ 10^-10 मीटर के आसपास की दूरियां हैं। बाद में इससे भी छोटा आता है न्यूक्लियर लेवल, न्यूक्लियस के अंदर क्या, और ये दूरियां 10^-15 मीटर के आसपास होती हैं, 1 फेमटोमीटर बोलते हैं। फेमटोमीटर जो यूनिट है वो एनरिको फर्मी साहब के नाम पर है, महान तम लोगों में से एक है न्यूक्लियर साइंस के एक्सपर्ट में, एनरिको फर्मी, उनके नाम पर फेमटोमीटर है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस लेवल पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अच्छा, तो फिर आप कहेंगे कि जब आप न्यूक्लियस में प्रोटॉन और दो प्रोटॉन हैं तो उनके बीच रिपल्सन होना चाहिए। बिल्कुल होगा, सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। लेकिन बच्चों होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स आता है और वो है न्यूक्लियर फोर्स, और ये बहुत जबरदस्त लेकिन बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या है? बहुत शॉर्ट रेंज है। अच्छा, आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगाया आपने वो कैसा है? उस वो रेंज पे नहीं है, आप बहुत दूर दूर हैं तब भी आप कूलाम लॉ लगा सकते हैं, और बहुत नजदीक हैं तब भी आप लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर ही इफेक्टिव है, उससे ज्यादा दूर हो जाएंगे पार्टिकल तो न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं होता। तो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स जबरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स है। तो एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब होते हैं, और सेम चार्ज वाले जो प्रोटॉन हैं वो आपस में रिपल्सन करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इतना पावरफुल है कि वो इस रिपल्सन को के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो रिपल्सन को कुछ नहीं समझता। तो इसीलिए आपने गौर किया होगा कि न्यूक्लियस को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट होगा आप लोग खुद सोचिए। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगला सवाल उठेगा, क्या ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा या धीरे धीरे इसमें कमी आती? तो बच्चों इसका जवाब है धीरे धीरे। आप देखिए जब न्यूक्लियस का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो उसमें प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे तो आपस में रिपल्सिव फोर्स काफी हो जाता है, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस जो होता है कमजोर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स का एक बड़ा हिस्सा तो इसी को बैलेंस करने में लगेगा, तो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है बच्चों। और यहां से एक नया कंसेप्ट आता है, रेडियो एक्टिविटी। आप लोगों ने सुना होगा
यूरेनियम से आडिट आप आडिट वो सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पढ़ते होंगे, इसका मतलब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता होगा वहां पर। क्यों होता होगा डिसइंटीग्रेट, अब आप समझ पा रहे होंगे कि टोटल जोड़ जाड़ के जो रिपल्सिव फोर्स है वो अच्छा खासा हो जाता है, तो 8 लेवल के बाद न्यूक्लियर फोर्स के बस का भी नहीं है उनको बनाए रखना, तो कुछ ना कुछ हिस्सा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये 8 लेवल के बाद है, 82 के बाद, उससे नीचे तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत पावरफुल है, तो वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। क्या इतना समझ में आ पाया आप लोगों? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। बीच में गायब हो गई थी क्या? हाँ सर, अभी लग रहा था नेटवर्क इशू हुआ। आपने कहाँ तक सुना है? सर, न्यूक्लियर फोर्स वीक पड़ जाती है बहुत ज्यादा। हाँ, ये रेडियो एक्टिविटी वाला कंसेप्ट पूरा सुना है ना? हाँ सर, ऑलमोस्ट। अच्छा, तो एक दौर आखिर रेडियो एक्टिविटी का फेज क्यों स्टार्ट होता है, तो इस पे मैं पूरा ले गया था यार। मैं तो अपनी ओर से सोच रहा था ये अच्छा लेक्चर होगा, ये पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है सिस्टम के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब आपको थोड़ा थोड़ा कूलाम लॉ के बारे में एक आइडिया आया होगा कि कूलाम लॉ किस लेवल तक लग सकता है। तो अब हम लोग कूलाम लॉ को ऑफिशियली एक Q1 और Q2 आ रहे हैं। तो मैंने यहां तक समझा दिया है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच लड़ने वाला जो फोर्स है वो Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर है। यहां तक क्लियर था ना? यस सर। हाँ, ये जो कॉन्स्टेंट है बच्चों, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आती है। यूनिट हम निकाल सकते हैं के डायमेंशन, अगर निकालने हो तो के डायमेंशन आप लोग जानते होंगे कि के इक्वल टू FR² अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा, और यहां से डायमेंशन आ जाएंगे के। FR² एफ के क्या होते हैं फोर्स के, एफ इक्वल टू एम ए एम एल टी माइनस टू। आर क्या होगा L²। चार्ज के क्या होंगे पढ़ा है आप लोगों ने कहीं पर? सर कूलॉम, न्यूटन का मीटर सर। नहीं, डायमेंशन चले हो गए। Q इक्वल टू IT पड़ा है करंट के मामले में, चार्ज चार्ज क्या होता है 8 सेकेंड में फ्लो होने वाली करंट, T1 कर दो तो I करंट के लिए है, ऐसा तो पढ़ा ही होगा, हाई स्कूल लेवल पे भी यूज होता है। तो यस सर। हाँ, तो I करंट है, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और ये टाइम दोबारा भी वही, तो ये T² हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा M। तो ठीक है, डायमेंशन ऑफ T क्या हो जाएगा M, L कितना आ जाएगा L³ T-4 A-2। आप इस तरह से डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये डायमेंशन हो जाएंगे, तो आप एफ इक्वल टू 9 × 10⁹ टाइम्स
क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यूज कर सकते हो। आप फोर्स से इस तरह से भी कूलाम लॉ को यूज कर सकते हो। अभी एक और तरीका रहेगा, हम थोड़ा उस पे आएंगे इसके बाद। और हम लोग फाइनली इसे जो कॉन्स्टेंट है इसे लिखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कप्पा, कॉन्स्टेंट को इसे लिखिएगा, ये लिखा जाता है। इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू इतनी आती है, ये सर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, थ्योरेटिकल। तो अब ये सवाल आएगा कि एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो एफ इक्वल टू हमारे पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू थ्री इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये हुआ कूलाम लॉ का एक्सप्रेशन, हम इस तरह से दिखेंगे। तो अब भाई ये जो नई चीजें आई हैं उनको बताना पड़ेगा आपको कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? हाँ, सर परमिटिविटी, ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री एक स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सरल शब्दों में रहें तो कोई भी मीडियम जितना परमिट करता है, इलेक्ट्रिक सॉरी हाँ फोर्स के लिए परमिशन जितना करता है, जितना ज्यादा परमिटिविटी होगी, हम इसको देखते हैं। और के को हम लोग फिर डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के को आप एप्सिलॉन भी कह सकते हैं। अब ये किसी भी मीडियम की हो जाएगी, जो मटेरियल बीच में होगा ना, कुछ होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और एप्सिलॉन नॉट दोनों का प्रोडक्ट एप्सिलॉन बोलते हैं हम लोग इसको। और अब आप इसे लिख सकते हैं किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो ये फॉर्मूला भी कई सारे न्यूमेरिकल में आपकी मदद करेगा। कई बार डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमने अभी डिफाइन नहीं किया है, बस अभी केवल नए नए शब्द आ रहे हैं, धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। तो चूंकि पहला है, हमारा कूलाम पे फोकस ज्यादा है, तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे बच्चों जहां डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हम यूज करेंगे। मैक्सिमम जगह क्या होगा वो बताता हूं। जनरली हम लोग या तो वैक्यूम के लिए काम करते हैं या एयर के लिए। तो दोनों में हम ये मान लेंगे, एयर मान लेंगे क्योंकि 100% वैक्यूम तो मिलना नहीं है, तो एयर के आसपास भी हम ये मान लेते हैं कि के वन होता है। तो के वन होगा तो वहां पर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो फोर्स जो है वो ये लगेगा एयर में, ये स्थिति एयर और ये हमारे पास वैक्यूम। तो मैक्सिमम जगहों पर आप इसका उपयोग करेंगे, ठीक है? तो बीच में जो मटेरियल डाला जाता है, दो चार्जेस के बीच, दो पॉइंट चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू, उनके बीच जो मटेरियल आप डाल देते हैं बच्चों, उसकी वजह से ये के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाली बात आ जाती है। और ये जितना ज्यादा आएगा, आप सोचो के बढ़ेगा, के डिनोमिनेटर में है, के बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? हेलो, सर फोर्स घटेगा।
घटेगा। तो किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वेशन 3 के आधार पर सोचिएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर किसी भी जो बीच में दो पॉइंट चार्ज जिसके बीच में मीडियम है बच्चों, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उस समय फोर्स का अमाउंट उतना कम हो जाएगा। तो इस बात को लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखा रहा हूं, आप लोग लिखिए। वी ऑब्जर्व दैट दैट इफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम इंक्रीजेज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम इंक्रीजेज तो क्या होगा, कॉमा फोर्स बिटवीन द चार्जेज will be reduced. Or vice versa. इतना क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, कुछ सवाल करते हैं, अगर इट क्लियर है। यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप इसका भी डायमेंशन ले सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10^-12 आता है सर। बाकी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, इसकी जो भी यूनिट हो अब इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो जो लिखा हुआ है मैंने, इस आधार पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसके यूनिट जो भी होगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या हो रहा है, आप एफ को इधर ले आइए, डायमेंशन तो निकाल ही सकते होंगे आप हर फॉर्मूले से, पूरे 11th में आपने हर फॉर्मूले से डायमेंशन निकालने सीखे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू ये, और टोटल पूरा 1/4 एप्सिलॉन नॉट अगर यूज करते हैं तो ये कितना था, 9 × 10^9 ये आया था। अभी आपने के का डायमेंशन देखा था, तो आप वहां से भी कॉन्स्टेंट जो है आपने शुरू में के लिखा था, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो बाद में यूज कर रहे हैं आप। हेलो, क्या मैं समझा पा रहा हूँ सारी चीजें? यस सर। तो कूलाम लॉ काफी यूजफुल है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, कंपेयर कूलाम लॉ कूलाम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि न्यूटन के बहुत सारे लॉ, तो कौन से लॉ की बात हो रही है इसलिए लिखना पड़ता है। फॉर पहला, टू इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा टू प्रोटॉन, चलिए इतना ही कर लेते हैं, आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कर सकते हैं। तो एक आसान सा डेटा देते हैं पहले, मैं देखिएगा प्लीज, दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, आर 1 मीटर रख लेते हैं दोनों के बीच की दूरी, 8 मीटर दूरी पर एयर में रखे हुए। तो कूलाम लॉ कितना ले जाए, इफ इक्वल टू 9 × 10^9, पहले पर चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10^-19 q1 q2, दूसरे पर भी इतना ही हुआ,
माइनस 19 कूलम अपॉन 1। अरे भाई क्लियर हुआ है? यस सर। मैं इसको एफ सी लिख देता हूँ, सी फॉर कूलम सफिट्स में, तो एफ सी इक्वल टू हो गया 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई? 19 और 19 दो बार आ गए तो 38, 38 में से 9 माइनस 29। कैलकुलेशन क्रॉस चेक करते रहिएगा। हाँ ठीक है बच्चों। यस सर। अच्छा अब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, वहां कितना था जी टी वैल्यू कितनी आती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से। और जी एम वन कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का मास? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 ऐसा पड़ा है कहीं? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अपन आर तो 1 मीटर ही है तो 1 स्क्वायर, तो ज्यादा एकदम कैलकुलेशन नहीं कर देनी है। 6.67 इंटू 81 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 31 62 में से 11 गया तो नहीं, वो भी जुड़ी जाएगा 62 73। कैलकुलेशन देखिएगा, हाँ मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ ध्यान से। तो बच्चों एफ कूलाम अपॉन एफ न्यूटन इक्वल टू 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 अपॉन 6.67 इंटू 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 73। तो यार ये 9 जा 81 होता है, ठीक है? तो 2.56 अपॉन 6.67 इंटू 9 ये हो गया, इंटू 10 की पावर कितनी होगी? 25.6 चल लेते हैं तो एक पावर कम हो जाएगी, 8 10 उधर ले लेते हैं तो 6.67 इंटू 9 64 जा कर लो, रफ आइडिया तो 40 अपॉन 9 कर लो, हमें लगभग करना है 10 की पावर 42। तो आप अप्रॉक्स सोच लीजिए 4 इंटू 10 की पावर 42 के आसपास, ये आए हुए क्वेश्चन है बच्चों कॉम्पिटिशन में। इट मीन्स कूलाम फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 टू द पावर 42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। दो पार्टिकल हैं, दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं कुछ दूरी पर, अगर आर दूरी पर भी रखते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में से आर कैंसिल हो जाता है डिवाइड करने में। कूलाम लॉ दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगता है बच्चों वो ग्रेविटेशन के मुकाबले इतना ज्यादा गुना, तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। 10 की पावर 42 यार, 42 जीरो लगाओ, इतना ज्यादा। इसलिए बच्चों आप गौर करिए, आपको झटका लगता है ना कभी चार्ज की वजह से, क्या होता है? अरे भाई लगता है नहीं, आपको कभी ग्रेविटेशन की वजह से लगा ऐसा? नो सर। नो सर। तो
ऐसे ही अब आप प्रोटॉन के बीच निकालेंगे तो वो 10^36 के आसपास आ जाएगा। दो प्रोटॉन का मास पता होगा आप और चार्ज तो दोनों में इतना ही होना है, तो आप ऐसे निकाल लोगे। वो लगभग आएगा कि वहां पर 10^36 के आसपास आएगा, मतलब वो इतना गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है कूलम्ब। तो बच्चों अब आप जो पढ़ रहे हो वो हल्का फुल्का फोर्स नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स है। क्या इतना क्लियर हुआ? यस। चलिए हम लोग 5:45 पे दोबारा जुड़ेंगे। थैंक यू।